व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वा सुशांत और निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, फाइनली कोक स्टूडियो बांग्ला से सेकंड गाना आ गया है। हाय हाय, पहला वाला कौन सा था निशो? पहला वाला ताती ताती फर्स्ट ट्रैक। अर्णव भाई थे, अर्णव भाई अपने ये सब थे, अपने और थे दो लोग और थे, तीन लोग थे, शायद तीन लोग थे। और गाना अच्छा था, गाना अच्छा था, ठीक है। तो गाइस, फाइनली गाना आ गया है। गाने का नाम है मा लो मा। यस। और गाइस, प्रीतम हसन और शागोर देवान, आरिफ देवान एंड अली हसन, ठीक है, ये आर्टिस्ट है इसमें। इस शूट में गाइज हम लोग थे, ठीक है, बट उधर है ना, आपके लिए हम लोगों ने सुना नहीं। और वैसे भी शूट ना आधा आधा होता है गाइज, बिल्कुल, कभी ये पार्ट हुआ कभी वो पार्ट हुआ, तो हमको समझ में नहीं आता था बिल्कुल जी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो बात करते रहे, मैं इधर कमेंट डाल देता हूँ। तो गाइज, होता ऐसा था कि कभी ये शूट हो रहा है कभी वो शूट हो रहा है, और हमको जब कोई बोलता था कि सुना, आप सुनना चाहोगे, मतलब नहीं, रिव्यू डायरेक्ट, हाँ रिव्यू ऑन द वैल्यू। अच्छा, इस गाने के कमेंट, हाँ कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, गाने के लिख ले, हाँ पब्लिक को भी फिर पता रहेगा कि जल्दी आ जाएगा। हाँ, तो गाइस, फिर पब्लिक को मतलब नहीं, क्या बोलते थे कि सुनना है क्या, मैं बोला नहीं भाई, मैं डायरेक्ट रिव्यू में सुनता हूँ, तभी मेरे को मजा आता है। तो गाइस, आज हम लोग पहली बार पूरा गाना मतलब सीधा सुनने वाले हैं। गाने में कमेंट भी डाल दिया, ठीक है, बहुत हाँ। बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। तो यार सीधा अभी पता नहीं, हम लोग अपलोड कम मतलब कमेंट तो डाल दिया इसने, पर अपलोड कब करेंगे, हाँ। दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद, एक दिन बाद, हाँ। वो आप देख लेगा तो पता चलेगा। तो गाइस, ज्यादा टाइम खर्चा न करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। आपका काम यही है कि नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके आपके ताकत बता दो, हाँ, मजा आ जाएगा। आपके दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सब में शेयर कर दो, जितने भी बांग्लादेश की पब्लिक है, अगर आपको हमारे साथ मजा आता है तो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। सीधा वीडियो पे आते हैं, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। हाँ जी, उधर तो फेसबुक ज्यादा चलता है मैंने देखा। बंधु क्या मना छो लगा, चलो चालू करता हूँ मैं। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करो ताकि कोक स्टूडियो बांग्ला के सब अपडेट आपको मिले, ठीक है। लगाते सुशांत मालोमा बाय प्रीतम हसन, शागोर देवान, आरिफ देवान, अली हसन। वाह, कोक स्टूडियो बांग्ला सीजन 3। मालोमा जिलो जी, अच्छा ये ऐसा था नहीं, भांगा नौका बाईते आई लमगा, आवाज क्या बात है, क्या बात है, मस्त रिवो। अच्छा ये टीजर में आया था ना गाइस, क्या बात है, वाह। पता नहीं ये प्रीतम भाई को हमारे जो प्रीतम भाई है उनको शारीगान में वर्ड भूल गया था गाइस, मेरे को जितना याद है हमको समझाया था उधर, शारीगान से क्या ऑब्सेशन है पता नहीं, क्योंकि उन्होंने देवरा गाने में भी शारीगान यूज किया था, बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें भी, हाँ। तो ये बात बहुत अच्छी है भाई प्रीतम भाई की, आप अपने जो बांग्लादेश की मिट्टी है और ऐसे गाने जो है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जो चीजें हैं आप बरकरार रख रहे हो, तो सभी टीम को धन्यवाद जो ऐसे चीजें आप दिखा रहे हो। तो अभी मेरे को समझा, जो स्टार्टिंग वाला जो लोकेशन है ना, हाँ, जहाँ पे वो हमारा फोटो अपलोड किया, तो अभी मेरे को समझा कि अच्छा ये वाला ही है, बिल्कुल ऐसा हो गया, क्या बात है, वाह, आपने फोटो देखा होगा हमारा वहां पे फोटो, हाँ चलो लगा दीजिए। अभी मैं इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग आगे चल के, पहले गाना सुन लेता हूं मैं, क्योंकि मैं खुद सुनना चाहता हूं और मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं गाने को। चलो क्या बात है, क्या बात है, मालूम जी
बोलो बोला मैं चोला में की रंग प्रोसेस किया बे आवाज है भाई ते आई लम गंगे मालो मा जिलोजी बोलो बोला मैं कोला में की आवाज है वाह गंगनो का भाई ते आई लम गंगे छिला शिशु छिला हला ना छिला संसार रे साला क्या बात है सदाई थाकि क्या बात है क्या शॉट है डायरेक्शन वाह कमी नी बोशिलो भाव हाय हाय भांगनो नाइस सेट यार मालो माजी लजी अबलो बोला मी कर लव की गंगे भांगनो का वाइते आई लव गंगे क्या बात है भाई आने से पहले मैं आपको एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यू आपको हमारे साथ रहना है क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत बड़ा बन सकता है। हाँ ठीक है तो आपको कंटिन्यू बने रहना हम बहुत सारी बात करेंगे क्योंकि बने रहना आपको। एक तो सबसे पहली बात अभी मेरे को समझ रहा है गाइस कि ऐसा सेट क्यों था बिल्कुल उल्टा तिल्टा अभी मैं बताता हूँ गाइस मेरे को जितना याद है क्योंकि बहुत टाइम हो गया शूट होके बिल्कुल मालूमा मतलब माँ को बोल रहा है वो माँ ओ माँ ठीक है और अपने चाची को मतलब अपने इसमें आंटी और अपने दीदी को बोल रहा है कि यार वो ये जो हमारे सागर देवन भाई है वो एक नए शहर में जा रहे ऐसा बता रहे वो कि एक नए शहर में जा रहे उनको सब नया हो रहा है ये हिंदी पब्लिक के लिए हाँ हिंदी पब्लिक जो हिंदी साइडर देख रहे हैं मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि यार वो जैसे हम लोग निकले थे मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ ये गाने को क्योंकि हम लोग जब बाहर निकले थे मैं ऑडियो इंजीनियरिंग करने के लिए ये भी ऑडियो इंजीनियरिंग करने के लिए जब निकले थे हम लोग बहुत गाँव से है गाइस तो जो गांव से बंदा बाहर गया है तो उसको जो खेड़े के लोग रहते ना गांव के उनको नया जाके बिल्डिंग्स दिख रही है इतना लोगों का आवाज दिख रहा है शोर शराबा दिख रहा है तो वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था हाँ जब मैं पहली बार मुंबई शिफ्ट हुआ था ऑडियो इंजीनियरिंग करने के लिए तब तो गाइस ये हो रहा है तो वो बता रहा है कि यार मेरे को सब नया हो रहा है वैसा वैसा ये सब चीजें है क्या बात है यार म्यूजिकली बहुत जितना मेरे को याद है मैं उतना बता रहा हूँ गाइस जो हिंदी साइडर है जो जिनको बंगाली नहीं समझती बिल्कुल तो मेरा काम है आपको समझाना तो मैं बता रहा हूँ वाह तो बहुत बढ़िया म्यूजिकली बहुत अच्छा काम किया है इसलिए वो सेट में गाइस दिखाया है कि वो वर्कर्स वगैरह क्योंकि नया है ना सब अपना ऑफिस ही जा रहे हैं काम ही कर रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं सब कुछ उल्टा है इसलिए मेरे को अभी समझ रहा है यहाँ पे कि ऐसा सेट क्यों बनाया था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा काम वोकल्स भाई के इतने प्यारे प्रोसेस किया ऐसा रॉ लग रहा है नहीं क्या बिल्कुल हल्का प्रोसेस किया है बट बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा प्रोसेस किया वाह बहुत अच्छा काम कमिनी बसिलो भावंगे भांगनो का वाइते आई लंगंगे मालो मारिलो जी अबलो बोला मी कर लव की गंगे भांगनो का वाइते आई लंगंगे मालो मारिलो जी अबलो बोला मी कर लव की रंगे भांगनो का वाइते आई लंगंगे आसन भालो गानर गाइस एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया कि गाइस ये जो मतलब ये जो आ रहे थे ना ऐसे जो आए थे ना गाइस एक्चुअली इस गाने के जॉनर को मैंने लिख के रखा है इसको बोलते हैं शारी गान जो मैंने बोला था जो देवरा गाने में प्रीतम भासन भाई ने यूज किया था शारी गान बट शारी गान किसको बोलते हैं जो लेबर लोगों का गाना होता है तो देवरा में जो आपने नोटिस किया होगा बोट वाले वो बोट वाले थे जो बोटमैन होते हैं ना जो चला रहे थे तो वो उनका गाना था और इसको जो मतलब ये थप्पी मार रहे हैं ना उसको बोलते हैं शार्ट पेटानोर गान गाइस मेरी अगर वर्डिंग में छत 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 छत
छत जिसको बोलते हैं, छत पेटारोर गाल बोलते हैं बांग्लादेश में। तो एक्चुअली ये शायरी गाना है, बट इसको क्योंकि वो ऐसे जो कर रहे हैं ना, होता क्या है गाइस, जो हिंदी साइडर है, जो विदा, जो बांग्ला नहीं समझते उनको लिए समझाना चाहता हूं मैं, कि होता क्या है गाइस कि पहले ना मशीनरी नहीं थी, ठीक है, तो ये जो लोग है ना वो ये लोग मिस्त्री के काम करते हैं। मिस्त्री के काम मतलब जो जुड़ाई बनाना, जुड़ाई वगैरह, प्लास्टर डालना। तो क्या होता है जब वो छत बन जाता है ना तो उसको प्लेन करना पड़ता। अभी तो कैसे वो दुम्मस वगैरह करते हैं ना, अपने इंडिया में दुम्मस बोलते हैं, आप जहां से भी देख रहे हो आपके इधर क्या बोलते पता नहीं। तो वो छत प्लेन करने के लिए वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो जो है ना ये लोग जो है ना फन में डिवाइड, हाँ, फन में, तो ये गाना गाते गाते कि उनको बोर ना हो करके ये वाला गाना वो गा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यार आप लोग कोक स्टूडियो बांग्ला और अपने जितने भी ये है, आप आपका विजन इतना तगड़ा है क्या कि आपने वो वाला जो पहले होता था उसको लोग भूल जाते हैं, जो लोग भूल जाते हैं उसको आज भी आपने सहार के रखा। और पब्लिक जो नए नए नौजवान है या जितने भी पब्लिक है जो भूल गए हैं ये सब ट्रेडिशन, उसको आपने सामने लाया। थैंक्स टू प्रीतम हसन भाई, बहुत बढ़िया आपने ये किया यार, वाव, म्यूजिकली बहुत। और सागर भाई भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, बिल्कुल। और गाइज मैं आपको और भी समझाना चाहता हूँ, जो छठ पेटानोर गान, मैं मेरी बहन को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आबिर राजबिन मेरी बहन है जो उन्होंने मेरे को ये सब समझा था उस टाइम पे। और हमारे प्रोड्यूसर भाई भी है जो आपको व्लॉग में, हमारा जो व्लॉग आने वाला है इसका, उसमें आपको पता चलेगा कि और कैसे कैसे समझाया गया था गाइस। तो ये सब चीजें है यार, तो उसके लिए मतलब उनको बोर ना हो करके ये शॉर्ट पेटान छद पेटानोर गान गाते हैं गाइस। अगर मेरे समझाने में कुछ गलती हो गई होगी तो माफ कर देना गाइस, बिल्कुल जी, क्योंकि हम लोग बांग्ला नहीं जानते बट बाकी साइडर लोगों को समझाना पड़ता है। तो मैं ये बताता हूँ, अभी कंटिन्यू सुनते फिर वापस और एक बार, चलो चल लगा दे। মজা তলে যদি ভালো মতন গলে ঠিক মতো বাইতে পারলে ভাঙা নৌকা চলে ভাইয়া সাতার না জলে। আপনি কি ভাবতেছেন ভাই আপনার নৌকা দেখতেছি ভাই আপনার নৌকা জীবনে চলার পথে সঠিক দিক দেখতে পারলে সুন্দর একটা দ্বীপ আছে দুনিয়া ঘুরতে আছে ঘুরে খুঁজতে হইব বিষয়টা বুঝতে হইব কেমন বুঝতে হইব জীবনের তরি ভাইয়া জায়গা মতো যেতে হইব তরিকা সবারই এক ভাঙা নৌকা বাইতে হইব নিয়ে আইসি কিছুই ছিল না অঙ্গে ভালো কাজ ছাড়া কিছু যাইব না সঙ্গে দেওয়ান ভাই দেওয়ানা হইয়া দেখি কাঙ্গে বাইতে আইসে গাঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে ভাঙা নৌকা ভাই আপনি अंकल की स्टेप मस्ती। अरे वाह वाह वाह, अरे बाप रे गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था हमारा व्लॉग आ जाएगा जल्दी, डिटेल्स में आपको सब कुछ पता चलेगा, वो व्लॉग जरूर देखना। हमने डिटेल्स में जो सेट है उसको एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लोरल एक्सप्लेन किया है, जरूर देखना गाइस। तो गाइस मैं अगर इसकी बात करूं, वाह यार, जो छाड़ पेटानोर गान जो है जो वो बजा रहे ऐसे,
तो वो जो लिरिक्स गा रहे हैं ना गाइस, मैंने उनके बारे में बताने था तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपना लोखिंदर एंड बेहुला की लव स्टोरी बता रहे हैं। वाह, ठीक है। बेहुला को लोखिंदर से प्यार था, तो वो बहुत सारी ऐसी स्टोरी है कि भाई वो है ऐसा, मैं आपको है ना व्लॉग में बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो गाइज ऐसा उनकी लव स्टोरी चल रही है तो उसके ऊपर ये लिरिक्स चल रही है, ठीक है। इवन सब लोगों ने इतना प्यारा प्यारा अपना काम निभाया है, इवन अपने कोरस कोरस इतने प्यारे कोरस आ रहे थे, ठीक है ना। प्रद्युत दा अलग अपना बचा रहा अलग से, गिटारिस्ट अपने दोनों, और ऑक्टोपैड भी है वहां पे, बिल्कुल वो स्क्रैच मार रहा इसका मैच कट के तहत, वो मैच कट भी, वो यार क्या बात है, वाह यार वेरी नाइस है यार, मतलब मैं ना मैं मजा आ गया बस। आप व्लॉग जरूर देखना गाइस, आपको सब कुछ अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। वाह यार क्या काम है, वाह। चलो अपने रैपर रैपर भाई आ गए एकदम से, रैपर भाई ने और रू चेंज कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल यार। क्या बोल रहा है? नाइस यार, नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा जिसे। एक काम कर यार गाइस, एक काम करते अपन एक बार पूरा सुनते फिर बात करते, ठीक है। मतलब मेरे को रुकना नहीं हो रहा है, लगा जिसे वापस यार। आप लोग बहुत अच्छा काम कर, बहुत अच्छा काम यार। कोक स्टूडियो बांग्ला सीजन 3 साथ देखो, पूरा मजा देखे उनको, वाह हारमोनियम तक भी उसकी है, क्या बात है, वाह। मा लो मा, दिस पार्ट इज माय फेवरेट यार। कंप्रेस के प्रॉप साइड चेन मार के रंगे भांगनो का बोलते आई लंगा जी बोलो बोई ना मैं कर लगी रंगे भांगनो का बोलते आई लंगांगे छिलाम शिशु छिलाम हाला ना छिलाम संसारेर जाला सदाई ঠিক মতো বাইতে পারলে ভাঙ্গা নৌকা চলে ভাইয়া সাঁতার না জানা থাকলে ডুবা মরবেন জলে। আপনি কি ভাবতেছেন ভাই আপনার নৌকা ঠিক আছে? আমি তো দেখতেছি ভাই আপনার নৌকা ঠিক আছে, জীবনে চলার পথে নাই নেই বিধিক আছে, সঠিক দিক দেখতে পারলে সুন্দর একটা দ্বীপ আছে, দুনিয়া ঘুরতে আছে ঘুরে খুঁজতে হইব, বিষয়টা বুঝতে হইব, খেয়ামু বুঝতে হইব, জীবনে তরি ভাইয়া জায়গা মতো যেতে হইব, তরিকা সবারই এক ভাঙ্গা নৌকা বাইতে হইব, কিছু ভালো কাজ ছাড়া কিছু যাইব না সঙ্গে, দেওয়ান ভাই দেওয়ানা হইয়া দেখি কান্দে, দেওয়ান ভাই দেওয়ানা দেওয়ানা বাইতে আইছে গাঙ্গে। गाइज आपको एक चीज बता देता हूँ, जो अली हसन भाई है ना वो सागर भाई को रिप्लाई कर रहे हैं, वो
जैसे सागर बोल रहा था कि यार ये मेरे लिए नया है, ऐसा है वैसा ये है, तो अली भाई उसको बोल रहा है कि यार अगर तू कोसते रहेगा ना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर तू कोसते रहेगा ना तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मतलब ये सेम मेरे साथ, मतलब हम दोनों का साथ भी ऐसा होता है। जब मैं पहली बार गया था ना, तब ये मेरे को सब कुछ नया था, ऑलरेडी ये पुणे शिफ्ट हो गया था वो ऑडियो के लिए, म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए वगैरह, तो मेरे को सब नया था। तो मैं इसको बोल रहा था कि यार ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा भाई, ये इधर एकदम खुले खुले लोग हैं यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा। तो इसने भी मेरे को ऐसे ही बोला था कि यार अभी तेरे को तो निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए निकलना तो पड़ेगा भाई। क्योंकि मैं जब बाहर निकला था ना गाइस, कि मैं इतना ऊपर पैंट पहनता था, हमको ड्रेसिंग सेंस नहीं था, तो ये शहर वाले लोग ना थोड़ा सा ऐसे देखते थे, किधर खेड़े गाँव से आ गया भाई, खेड़ा मतलब वो गाँव से आ गया। तो ये अली भाई उसको वही बोल रहे कि यार अभी तू इसको खुद को कोसते रहेगा, अभी आ गया तो आ गया, तेरे को अभी आगे का सोचना है तभी आगे जाएगा। मैं आपको भी बोल रहा हूं, जितने भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, जितने भी स्ट्रगलिंग डायरेक्टर है, सब लोग, जितने भी लोग हैं, स्ट्रगल को ये मत करो यार क्या है यार ये क्या हो रहा है, नहीं, आपका टाइम आएगा, जरूर आएगा, आप अपना काम करो, आज कल या परसों या तो नरसों, बट आएगा ही, होगा जरूर, मेहनत करते रहो, होगा जरूर, ठीक है, वाह, मेहनत करते रहो, अच्छा ही होगा। आप अगर जन्म ले रहे हो, आप अगर पैदा हुए हो, तो आप ऐसे ही पैदा नहीं हुए, कुछ रीजन से पैदा हुए, तो करते रहो, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ो, मेहनत मत छोड़ो। मेहनत छोड़ दोगे तो बोलोगे कि यार घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, बहुत प्यार लगा दे सुया, और कोक स्टूडियो बांग्ला आपको बहुत प्यार, बहुत प्यार मचा रहे हो आप, बहुत प्यार। क्या बात है आपको खड़े होके सल्यूट करने का मन करता है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा आप डिजर्विंग हो, ये आपके पूरे कोक स्टूडियो के पूरे गाने बहुत जल्दी से जल्दी 100 मिलियन पर पहुंच जाए, बस क्या बोलते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप। हाँ, तो क्रिएटेड एंड प्रोड्यूस बाय श्रेयान चौधरी, अर्णव भाई एंड प्रीतम हसन भाई, म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय प्रीतम हसन भाई। बहुत मजा आया भाई, बहुत, हर एक एलिमेंट पे आपने, हर एक कैरेक्टर पे, हर एक वोकल्स पे इतना प्यारा आपने ध्यान दिया है, जो बहुत ज्यादा मजा आया है। और अपने मालूम रिटन बाय एंड कालिक दीवान एंड अनदर वर्जन ऑफ द सॉन्ग वाज पेन बाय बाउल राशिद उद्दीन, हाँ, नेम मालूम आता। गाइस, बाउल मतलब बंगाली में, मेरे को जितना जानकारी है कि वो जो फकीर लोग होते हैं ना, जो गाते हुए जाते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल जितना मेरे को याद है। रैप लिखा भी और परफॉर्म भी किया अली हसन भाई ने, जो मजा आ गया भाई अली हसन भाई। बस थोड़ा सा वीडियो में और एनर्जी चाहिए थी यार, मतलब थोड़ा सा आपका लिपसिंग भी इधर उधर हो रहा था, और आपने एक इसमें वो भी छोड़ दिया था, थोड़ा लिपसिंग भी छोड़ दिया था, मतलब वो लाइन थी बट आपने गाई नहीं, बराबर किसी ने पकड़ा होगा नहीं पकड़ा, हमारे हम तो एवन
आपको पता है वन टेक में आता है हमारा सब कुछ, तो ये है। और वाओ, सब कुछ मेरे को इतना मजा आया, इवन मिक्स मास्टर भी इतना प्यारा हुआ है कि क्या बताऊं। मैं सबको, फ्लूट आर्टिस्ट को, जितने भी पर्कशनिस्ट थे, गिटारिस्ट थे, सिंथ बजाने वाले थे, सबको बोलूंगा कि भाई मेहनत रंग लगाई भाई, क्योंकि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छा ये किया। जिसने भी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सबके कॉस्ट्यूम्स बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम। और अगर मैं अगर बात करूं तो जो हमारा आर्ट डायरेक्शन था वो भी बहुत खतरनाक था। मैं एक मिनट, और डायरेक्टेड बाय अदनान अल राजीव, वो अल जो है वो एआई पढ़ने को आ रहा है हमारे जैसे लोग जो है। तो गाइज, अदनान अल राजीव भाई ने डायरेक्शन दिया है, बहुत अच्छा किया भाई। इवन आपके एक दो शॉट मेरे को, जैसे वो अपने सागर भाई ऐसे जा रहे थे, वो एक ऐसा वाला शॉट था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और मतलब बहुत अच्छा डायरेक्शन भाई, बहुत अच्छा सेट पे काम किया है, बहुत अच्छा एडिट हुआ है, बहुत अच्छा कलर किया गया है। हाँ, ये सब बातें तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एक इवन मैं ये बोलना चाहूंगा, अपने मेन वोकल जो थे सागर भाई, शरफुद्दीन दीवान सागर, ये अच्छा वही सागर भाई, तो बहुत बढ़िया इनके ये वोकल्स लग रहे थे। और आरिफ देवान जी जो वोकल्स और वॉयलिन पे थे, जो आपने लास्ट में देखा, और स्टार्टिंग और लास्ट में। और एक लास्ट बार मैं नाम लेना चाहता हूँ गाइस, छाड पेटानो टीम जो थी, चंदा रानी सरकार, सरकार एंड एमडी शोकिर शेख, आशा रानी, सीमा रानी, कुमाकेर, पद्मा रानी सरकार, मुक्ति रानी सरकार, ये सरकार मतलब छठ, मतलब वो जो वो कर रहे थे ना, तो उनका नाम मेरे को लेने का मन किया, क्योंकि बहुत अच्छा काम, मतलब मजेदारी था। वोकल्स में अपने जन्नत थे, शंता इस्लाम एंड शमशान। अरे बाप रे, ऐसे नाम लेते लेते मेरा हो जाएगा, सच बता रहा हूं। सीजन में देख रहा हूं, आप लोग फेवरेट हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा करते रहो बस यार। सब लोग, जलाल जी अपने फ्लूट पे थे, जो बहुत अच्छा लग रहा था ऑक्टोपैड पे, और वो सब जबरदस्त काम यार, जबरदस्त काम। आर्ट डायरेक्टर हमारे शाहिदुल इस्लाम भाई है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा आर्ट डायरेक्शन किया है भाई, बहुत अच्छा। सेट डिजाइनर 3D सर्वोदेव चौधरी, आपने नोटिस नहीं किया होगा, इतना प्यारा इन्होंने सेट डिजाइन किया है, इतना बारीकाई से ये मतलब वो बिरयानी, लस्सी, कोक, वो सब इन्होंने पूरा ऐसा दिखाया गाइस, आप जब व्लॉग में देखोगे ना आपको पता चलेगा अभी। और कॉस्ट्यूम्स हमारे अनिका जहीन जी ने किए हैं, वाओ बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम्स, बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम्स, जस्ट वाओ, जस्ट वाओ गाइस, जस्ट वाओ। बहुत ज्यादा मजा आया, कितना मैं तारीफ करूं उतना कम है सच में यार। बाकी मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप ऐसे ही कंटेंट देते रहो कोक स्टूडियो बांग्ला, सब पूरे टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक की जरूरत नहीं, हिट ही जाएगा। तो अपने नफ्यूस सलाम यानी, ये गिटार पे थे है ना, बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक गिटार अपने इसमें प्रीतम पाजी ने, मतलब भाई ने बजाया, राइट, बिल्कुल। और बेस में फोसन अहमद तनीम, बिल्कुल। हारमोनियम जी संतोनी जी फुल ले रहे थे, और हमारे नजरुल इस्लाम, नजरुल इस्लाम भाई एक नंबर, एक नंबर, अपने इसमें परमानेंट है, परमानेंट है, अपने इसमें रहते हैं, और अपने इसमें रहते हैं गाइस, आप जब मिलोगे ना आपको बताएगा, अपने खुद के इसमें रहते, कट हुआ जाते ना, वो जो भी है वो बनाते बढ़िया। अच्छा, मिथुन दास एंड जर जरगोन, ये अपने एक पैड पे थे और परकशन पे थे, वाह तो बहुत अच्छा काम। पैड SPD-20 था शायद, SPD-20 या 30 होगा, बट उसमें ये गाने में जो किक है ना वो SPD-30 में 20 में है कि नहीं, मेरे को आइडिया नहीं। आपको जरूर हमारा व्लॉग देखना है, आपको डिटेल्स में बताएंगे। बाकी तो अगर गाइस, मैं वापस बोल रहा हूँ, कोक स्टूडियो बांग्ला मचा रहे हो, मचाते रहो, बट अगर हमसे कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी माफ कर देना, बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, पीस आउट। Na 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 na